जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका आभार है। यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और चैनल से जुड़ जाइएगा। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या सपनों में पूर्वजों का देखना, जैसे दादा दादी, नाना नानी या कोई हमारा जो बहुत करीब था वो शांत हो गया और वो सपने में हमें दिखता है, तो उसके क्या संकेत हैं, वो क्या कहना चाहते हैं और इसके लिए क्या धारणाएं हैं, उन सभी पर हम बात करेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। कंडीशनें भी होगी कि किस तरह से मिलना, वो भी बताया जाएगा। पहली बात कि कई बार जो बेसिक से लेकर हम हाई तक जाएंगे कि पहली बात ये होता है कि जिन लोगों से हमारा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है, जैसे बचपन में दादा दादी के साथ हम बहुत रहते हैं, नाना नानी के साथ, या जो भी हमारे पूर्वज जिनके साथ हमारा कनेक्टिविटी है, क्योंकि हम उन्हीं पूर्वजों को पहचानते हैं जिनको हमने देखा होगा, जिनके साथ हमने जीवन जिया होगा। कभी न कभी, चाहे वो उम्र छोटी हो, पर हमें उनकी स्मृतियाँ दिमाग में याद रह जाती है और वो चीज़ें हमारे सामने। तो एक बेसिक, जो पहला जो बेसिक है कि कई बार हमारी स्मृतियाँ जो होती है, जो हमारे सपने होते हैं, वो स्मृतियाँ ही है पुरानी, और वो हमारे दिमाग में वो जो क्षण है वो गुजर के गया है, तो कई बार वो रिपीट हो जाता है, सामने आ जाता है। जैसे कि आपको दिखाई देना, बैठे हुए दिखाई देना, या खाना बनाते हुए दिखाई देना, आपके साथ खेलते हुए, मस्ती करते हुए, तो ये एक सामान्य स्थिति है। इसमें कहीं डरने का विषय नहीं है, ये एक सामान्य स्थिति है और वो एक स्मृति है, सिर्फ यहाँ आके उसे भूल जाए। अब दूसरी पोजीशन ये है, उससे पहले एक निवेदन है दोस्तों कि यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं, कंसल्ट लेना चाहते हैं, तो वो आपको स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर मुझे 24 घंटे कभी भी मैसेज छोड़ दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कुछ ही देर में दूंगा और वहाँ से आप मेरा नंबर बुक करके मुझसे बात कर सकते हैं। दूसरी बात है कि यदि वो पूर्वज कोई मांग कर रहा हो, कई बार वो परेशानी में आपको दिख रहा है या पीड़ा में दिख रहा है, तो एक बार पितृ शांति आप करवा लें, क्योंकि पितृ जो है वो शांति के लिए इस तरह के सपने बहुत से जातकों को दिखाई देते हैं, तो पितृ शांति एक बार आप जरूर करवा लें। उसके लिए आप गया जी जाके करा सकते हैं, या अपने पास जो भी बड़ा तीर्थ क्षेत्र है वहाँ जाके शांति करा सकते हैं। ये पितृमोक्ष जो अमावस आती है तब आप उस शांति को करा सकते हैं। अब ये सब कराने के बाद भी कई बार अगर आता है, इस तरह के बार बार आता है, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करके फिर सोएं, तो ये चीज़ें से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।